Physical geography and its importance. This chapter appears in the book entitled Fundamentals of Physical Geography. ये जो chapter है आपकी book में, ये किस topic के अंदर आ रहा है? Fundamentals of Physical Geography में. The contents of the book clearly reflects its scope. अब इस book को आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि इसकी scope क्या है. It is therefore appropriate to know the importance of this branch of geography. इसीलिए ये बहुत important हो जाता है कि हम जो हैं पूरी तरह से ये जो ब्रांच है ज्योग्राफी की इसके बारे में अच्छे से समझें। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी स्टडी करेंगे हम? लिथोस्फीयर की, एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फीयर की और बायोस्फीयर की। लिथोस्फीयर में क्या आया? लैंडफॉर्म आ गए, ड्रेनेज आ गए, रिलीफ आ गए और फिजियो ज्योग्राफी आ रही है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ गया? कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट्स कैसे हैं, वेदर और क्लाइमेट का कंट्रोल कैसा है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स हैं, प्रेसिपिटेशन है, क्लाइमेट टाइप्स हैं, जितनी भी चीजें रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर स्टडी हो गया, तो ओशियन, सीज, लेक्स या जितने भी वाटर रिलम से एसोसिएटेड फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बायोस्फीयर यानी लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सस्टेनिंग मैकेनिज्म दैट इज फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। साथ ही साथ हम जानेंगे लाइफ के बारे में, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, वो कैसे अपने आप को सस्टेन करा पाता है, क्या उसकी फूड चेन होती है, उसके इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे हैं या उसके इकोलॉजिकल बैलेंसिंग कैसी है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर में। ये सब आता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। सॉइल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीडोजेनेसिस एंड डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। अब सॉइल की जानकारी हमें मिलती है या सॉइल्स जो बनती है उनके प्रोसेस को कहते हैं पीडोजेनेसिस। और इसमें हम क्या करते हैं कि वो सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि उसकी रॉक कैसी थी पहले, वहां का क्लाइमेट कैसा था, वहां की बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी थी और कौन सा समय था। टाइम प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू सॉइल एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। जो टाइम है यानी समय के साथ साथ सॉइल में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते चले जाते हैं, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती चली जाती है और इस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल भी है वो डेवलप होती रहती है। ईच एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। हर एलिमेंट कोई भी हो वो ह्यूमन बींग के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। सबसे पहले तो लैंड फॉर्म यानी अर्थ यानी जमीन जो है वो सब बेस बनाती है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का। द प्लेन्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। और जितने भी प्लेन्स हैं उनको हम यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए।